क्योंकि हमको इस देश में पानी पीने का हक भी लगता नहीं था। आपको क्या लगता है आपको ऐसे ही दे देंगे? जिनके सामने आप घाट पर नहीं बैठ पाते थे, सोफे पर पैर पर बैठ चढ़ा कर बैठ रहे हैं, आपको क्या लगता है आसानी से आपको नहीं मिल रही है? SSC की परीक्षा में ये फौजी किस तरह बना रहे हैं आप लोग देख रहे हैं। रेलवे में नौकरी नहीं, बैंक में नौकरी नहीं, क्या हालत करनी है हम लोगों की? अभी यह समाज काफी जाति ही चलता रहेगा, जाति मिटाइए। ये कहा था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, और हम सब जातियों का संगठन बनाने लगे, जातियों का गिरोह और कबीला बना। और आज फिर हम यह उम्मीद करते हैं यह समाज जवाब धोखा खा चुका है, इस सत्ता में आएंगे तो देने वाले बनेंगे। इस चक्कर में समाज सब कुछ को दिया, इस समाज से आज हमारा संगठन अपील करता है, आइए भागीदारी के लिए करते हैं। साथियों, सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग ने शुरुआत बहुत ही कमजोर की थी, मैं महसूस करता हूँ, लेकिन हमारे फंदे सुमित रतन जी उस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश की है जिस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचना चाहते थे, जिसके लिए शुरुआत की थी। शुरू वहीं से करता हूँ जहाँ से ये विचार आया था कि इस तरह हम लोग मिल बैठ कर बात करें। 10 मार्च को जब उत्तर प्रदेश चुनाव का रिजल्ट आया था तो देश का एक बड़ा समुदाय दुखी हो गया था। उन दुखी होने वालों में से हम भी थे। एक समय में लगा कि कहीं बहुजन राजनीति का अंत तो नहीं हो गया, कहीं दलित राजनीति का अंत तो नहीं हो गया, कहीं बाबा साहब ने जो सपना देखा था उस सपने की तीसरी तो नहीं हो गई, माननीय कांशीराम ने जो सोचा था वो पूरा होगा कि नहीं, क्योंकि जो आइडिया मानकर कांशीराम साहब का था बहुजन का, वो इस चुनाव में आते आते जो है ब्राह्मण सम्मेलन में बदल गया था। सब लोगों ने देखा ये हुआ। और शायद अगर हम लोग आप मूल्यांकन करें, अपनी विवेचना करें, खुद को आईने में देखें, तब समझ में आएगा कि हम लोग भी गलती किए। हम लोग गलती क्या किए, तो जो डॉक्टर उदित राज जी ने 1997 में सपना देखा अखिल भारतीय परिसंघ की नींव रखते हुए, तो डॉक्टर उदित राज जी की आंखों में इस देश के लाखों कर्मचारियों का सपना था, लाखों बहुजन कार्यकर्ताओं का सपना डॉक्टर उदित राज जी की आंखों में तैर रहा था। उनका सपना था कि हम भागीदारी करें, हमारी जितनी आबादी है उतनी हमारी भागीदारी है। एक छोटा सा सपना उदित राज जी ने देखा, हक अधिकार के बारे में सोचा। हमारे संगठन ने किया क्या? आज तक 1997 से लगभग 26 साल होने जा रहे हैं, एक भी कोई भावनात्मक सवाल हमारे पास नहीं है, ना भावनात्मक मुद्दा है। अगर हमारे पास आपको कहने के लिए कोई भावनात्मक बात होती, कोई भावनात्मक सवाल होता, तो हम आपके लिए यहाँ जो हम आयोजन कर रहे हैं उस आयोजन की व्यवस्था के लिए आपके सामने गिर गिराते नहीं। क्योंकि जो समाज दूसरे को जाति के नाम पर गाली देता रहा, अभी फंते जी भी बता रहे थे, हम लोग ब्राह्मणों को गरियाते रहे कि जो है जातिवाद करता है, जातिवाद करता है। हमने क्या किया? कोई दुसार समाज से शादी करने के लिए तैयार है? यादव कोई भी कुर्मी से शादी करने के लिए तैयार है? हमने खुद ही रोटी पर बेटी का नाता नहीं बनाया, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ जातिवाद नहीं हो। अगर हम इतने जातिवादी हैं तो हमारे साथ कोई जातिवादी व्यवहार करता है तो क्या गलत करता है? कोई गलत नहीं करता। हम सबको अपने अंदर के जातिवाद को मिटाना होगा, यही बात परिसंघ कहता है, यही बात हमारे राष्ट्रीय डॉक्टर उदित राज जी का आइडिया है, जातिवाद मिटाओ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा था? खटिक संघ बनाओ, दुसार संघ बनाओ, चमार मंच बनाओ, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति मिटाइए। ये कहा था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, और हम सब जातियों का संगठन बनाने लगे, जातियों का गिरोह और कबीला बनाने लगे। उसका परिणति यह हुआ 10 मार्च का जो चुनाव का रिजल्ट आया, आप भी रोए थे, हम भी रोए, यह ठीक नहीं हुआ हम सबों की दृष्टि से। लेकिन डॉक्टर उदित राज जी वह व्यक्ति हैं, एक फिनिक्स एक चिड़िया होती है,
जब वो जल जाती है तो रात से वह चिड़िया फिर से जिंदा होती है, एक किंवदंती है। तो डॉक्टर उदित राज जी को उस समय भी उम्मीद जगी, हो सकता है अगर हम प्रयास करें एक नई उम्मीद, एक नई राजनीति, एक नया सामाजिक आंदोलन, उसका स्पेस बनेगा। तो शुरुआत के लिए उन्होंने बात करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सबको बुलाओ, अपना झंडा लेकर आइए, अपना डंडा लेकर आइए, अपना बैनर लेकर आइए। अच्छी बात यह है कि अलग अलग संगठन के लोग आए। मैं तमाम उन संगठनों का स्वागत करता हूं जो आपसी मतभेद भुलाकर आए और इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता। साथियों, मैं फिर उसी आइडिया पे आना चाहता हूं जो डॉक्टर उदित राज जी का आइडिया है। डॉक्टर उदित राज जी का आइडिया जो आपकी आंखों का सपना है, वो सपना बस हर बार भागीदारी का है। छोटी सी बात उनका सपना है, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना प्रतिनिधित्व, यही तो है। एक छोटी सी बात है, इस छोटी सी बात को यह समाज नहीं समझ पाया, और आज फिर हम यह उम्मीद करते हैं यह समाज जवाब धोखा खा चुका है कि सत्ता में आएंगे तो देने वाले बनेंगे। इस चक्कर में समाज ने अपना सब कुछ खो दिया। उस समाज से आज हमारा संगठन अपील करता है, आइए भागीदारी के लिए करते हैं। आप 18 फीसदी हैं, 20 फीसदी हैं, 22 फीसदी हैं। चमार को तुषार नेता नहीं मान रहा है, तुषार को खटिक नेता नहीं मान रहा है। आप सत्ता में आएंगे तो देने वाले बनेंगे। कमाल का सपना है आपको, मुंगेरी लाल का सपना आप देख रहे हैं, जी रहे हैं उस सपने में। इतना कुछ तो खो गया, अब कब मानेंगे? जब गले में फिर से हरिया लटकेगा तब समझेंगे। उदित राज जी की बात को कब समझेंगे? जब कमर में झाड़ू टंगेगा तब समझेंगे। आज की सभा में जो भंते सुमित रतन जी ने जो प्रस्ताव दिया है कि इस देश में बहुजन राजनीति की बागडोर डॉक्टर उदित राज जी के हाथों में होनी चाहिए, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। और अगर यह समाज इस प्रस्ताव का समर्थन करता है तो तालियों की गड़गड़ाहट चल रहा है। साथियों, समाज का नेतृत्व जब तक एक पढ़े लिखे एक अनुभवी नेता के हाथ नहीं होगा, एक समझदार नेता के हाथ नहीं होगा, तब तक समाज भटक के वहीं पहुंच जाएगा जहां 10 मार्च को पहुंच गया। सवाल हमने ईवीएम का रखा, आपको क्या लगता है? ईवीएम ईवीएम हम चिल्ला रहे हैं कि आवाज क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि हम एक मुकम्मल आवाज बन ही नहीं पाए, हमने मूल मुद्दे पर हम पहुंच ही नहीं पाए। जिन मूल सवालों पर हमको पहुंचना था हम वहां पर आ ही नहीं पाए। तभी तो इसकी हिम्मत होती है कि आईएसबीएल इलेक्ट्रल इंट्री से बना देते हैं। एसएससी की परीक्षा गई, ये फौजी किस तरह बना रहे हैं आप लोग देख ही रहे हैं। रेलवे में नौकरी नहीं, बैंक में नौकरी नहीं, क्या हालत करती है हम लोगों की। अब भी यह समाज जाती जाती ही करता रहेगा, या भी आप छेद कर सोचेगा कि डॉक्टर उदित राज क्या करते हैं। समझ लीजिए, आप सबके पास मौका है। यहाँ जितने लोग आए हुए हैं, देश के 17-18 राज्यों से हमारे प्रतिनिधि आए हुए हैं, आप सब लोग नेता हैं। आप सब लोग इस सभा से जब दिल्ली से निकल कर देश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे तब आप इस मैसेज को फैलाएंगे, और करना पड़ेगा, करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि हमको इस देश में पानी पीने का हक भी लड़कर मिला। आपको क्या लगता है? आपको ऐसे ही दे देंगे? जिनके सामने आप खाट पर नहीं बैठ पाते थे, सोफे पर पैर पर पैर चढ़ा कर बैठ रहे, आपको क्या लगता है वो आसानी से आपको बैठने देंगे? उनको पता है कि आपने ये जो जज्बा आया है, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है, वो कॉन्फिडेंस आया है आरक्षण से, और उसी को बचाने की बात उदित राज करते रहे। इनको हाशिए पर धकेल दिया, इनको फला जाति का नेता है। आइडिया फिर समाज भी फिर शुरू किए बहुजन से, आगे ब्राह्मण पे, यही था कम से कम का सपना, यही बाबा साहब सोचते थे। आत्मूल्यांकन करिए, जय भीम कह देते हैं वही अम्बेडकर बात नहीं है। अपने अंदर के जातिवाद को मारना ही असली अम्बेडकर बात है। अपने अंदर के जातिवाद को मारिए,